और गरम करो इस सलिए को, लिख दो इस दहेज दासी के हाथ पर चरित्र ही। याद रहे, ये सरिया इतना गर्म होना चाहिए कि देखकर और महसूस कर इसकी रूह तक कांप जाए। करो गरम। कुर्सा, आप कटे हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा कैसे खोलो? दरवाजे को खोलने के लिए मिट्टी तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कमरे से कैसे निकल आया? कोई सजा नहीं होगी इसे। चुनरी निर्दोष है। मैंने कहा था तुझसे कि अटे भावनाओं की नहीं सबूतों की जरूरत होवे है। मैं भी वही कहने वाला था आपसे मां साहब। मैं सबूत अपने साथ लाया हूं। काको साहब, ले आइए उसे। अभीर जिंदा है।
ये वही लड़का है जिसे आपने चुनरी के साथ देखा था। जिसे चुनरी ने भगाया था, जिसकी सच्चाई अब तक चुनरी किसी को नहीं बता रही थी। अब यही सारी सच्चाई बताएगा कि कौन वहां किससे मिलने गया था। जाने दीजिए खोर साहब, बेकार में बात बना के क्या फायदा। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुप, एकदम चुप चुन रही। तुम्हें किसी की भी लड़ाई में कूद पड़ने की आदत हो गई है। किसी की भी गलती अपने सर लेकर महान बनने का शौक चढ़ा है तुम्हें। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज सच्चाई अपने पैरों पर चल के सबके सामने आएगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो सजा भी नहीं होगी। बताओ अभी सच क्या है। वह चुनरी से नहीं किसी और से मिलने आया था। और चुंदरी वहां से मेरे को भगाने की मदद कर रही थी। इतने में आप सब लोग आ गए। अरे कौन था वो जिससे मिलने गए थे? मैं। सुनैना गोरावत महासरपंच साहब की बेटी। इसका मतलब इसे सब पुरानी बातें याद आ गई हैं। कहीं ये जय को मारा सच ना बता दे। चुनरी का क्या? क्या उसके साथ है? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नहीं काकू साहब, मुझे चुनरी ने नई जिंदगी दी है। वो ना होती ना तो मैं पागलों की तरह तड़प रही होती, हबीर से ना मिली होती। आज भी उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए ही किया। उसके ये एहसान मुझे जीने नहीं देंगे। काकू साहब आप एक काम कीजिए, आप जाइए और हबीर को ढूंढिए। मैं माजा और जय के सामने हबीर को अपनाऊंगी। सच बोलने का टाइम आ गया काकू साहब। नहीं चुनरी, आज मुझे सच बोलने दो। मैं अपने हिस्से की सजा तुम्हें नहीं झेलने दे सकती। और कितना भुगतोगी हम दोनों के लिए? जय अभी वही लड़का है जिसे मैं 2 साल पहले प्यार करती थी। आज भी करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। आज भी मैं इसी से मिलने गई थी। जब अचानक से गांव वाले और मासा वहां आ गए तो चुनरी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले लिया। जय Sankaram 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 Sanka
और आप इस दहेजदास जी के हथेली गोदने जा रहे थे वहां सरपंच साहब? पराठे तो घर का सिक्का ही खोटा निकला। आप ही की बेटी छोटे जात के छोरे के साथ दुलछरे उड़ा रही थी तब आप कट्ठे थी? अब बताइए कौन है चरित्रहीन? बस बस कीजिए आप लोग, ये जो आप लोगों की छोटी सोच है, ये चाहे 20 साल पहले हो या 20 साल बाद, हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। गलती से भी एक मर्द एक औरत के साथ ना दिख जाए, हमारा दिमाग गंदे से गंदे रिश्ते ढूंढने लगता है उनके बीच। अभी 2 मिनट पहले आप सब मारी को चरित्रहीन कह रहे थे, और अभी सारे सबूत गलत होते ही हमने सुनाना जीजा पे उंगली उठाई। अरे ये छोटी जात बड़ी जात क्या होता है? हाँ, इंसान अपने धर्म और जात से बड़ा नहीं होता, अपनी सोच से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। आप लोगों की अगर बड़ी सोच होती, बड़ा दिल होता तो सुनाना जीजा को अपने प्यार को, अपने रिश्ते को ऐसे छुपाना नहीं पड़ता। एक रात बरसात में मन्ने घर आने में देरी हो गई थी, मारे बीन ने मुझे चरित्रहीन बोल बोल के इतना पीटो कि मैं बेहोश हो गई। आप सबको जो सोचना है, समझना है, फैसला करना है, कर लो, हम सब चुनरी के साथ हैं। और चुनरी माँ सरपंच बन के ना समाज की इस सोच को बदल सके हैं। बहुत बहुत आभार, पर हमारी एक विनती है आप सबसे कि अभी आप अपने से चले जाइए। सुनैला जीजा और अमीर जी के रिश्ते का मामला हमारे घर का मामला है, हम सब आपस में सुलझा लेंगे। कम अगर की जरूरत थी जे ओछा लांछन अपने ऊपर लेने की? क्योंकि यही सच है माता, चुनरी मारे इससे की सजा भुगत रही थी। जय जय, मैं अभीर से बहुत प्यार करती हूँ। दीदी ये वही अभीर है ना जिसके साथ आप 2 साल पहले भाग गई थी, जिसने आपको पागल करके किसी पागल खाने में छोड़ दिया था, जिसने आपकी ऐसी हालत कर दी थी कि आप अपने घर, अपने परिवार, यहां तक कि अपने भाई को भी भूल गई थी। अभी आप इस अभीर से प्यार करते हो? अभी भी इसके प्यार की पट्टी आपकी आंखों से नहीं हटी? तुम पूरा सच नहीं जानते हो जय, मैं नहीं भागी थी घर से। 2 साल पहले उस मनहूस दिन मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि जब तुम कॉलेज से आओगे तुम्हें अपने प्यार के बारे में बताऊंगी, और तुम्हारे जरिए मैं मासा को अपने प्यार के बारे में बताऊंगी, अबीर के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ही हम दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया। जबरदस्ती? कैसी जबरदस्ती? किसने किया? हाँ दीदी, किसने किया? Bhakta 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 b
हबीर जैसे छोटे जात के लड़के मुझसे प्यार करे या शादी के बारे में सोचे, ये मासा के सम्मान को चोट पहुंचा रहा था। इसीलिए उन्होंने हबीर को मरवाने की और मुझे जानवरों से बदतर कैद करने की सजा दी। और ये इन्होंने किया भी, हबीर को तो उस दिन मेरे सामने ही मारा था। और अपनी बेटी को 2 साल तक जानवरों की तरह कैद करके रखा। जंजीरों में बांध कर रखा। तो मैं पागल नहीं होती तो और क्या होती? जब आज माँ बेटे के बीच मारे को जंग के बादल गरजते दिखाई दे रहे, बाल्टी तैयार रख, बरसात होने वाली है सारा। नहीं, मासा, मासा ऐसा नहीं कर सकती। चंद्री, चंद्री, तुमने तो कहा था कि दीदी किसी पागल खाने में थी, जवाब तो मुझे। चंद्री, कभी तो पूरा सच बता दिया करो मुझे। मैं माँ बेटे के बीच कलेश नहीं करना चाहती थी कोर्स। मैं आपको क्या सच बताती? ये सुने ना दीजा, मैंने कई और नहीं बल्कि इसी हवेली के कालकोठरी में जंजीरों में बंदी मिली थी। नहीं, मासा, मासा, क्या ये सब सच है? मासा, जवाब दीजिए, क्या आपने अबीर को मरवाने की कोशिश की थी? क्या आपने दीदी को अपने घर में बांध के रखा था? सिर्फ इसलिए कि अबीर एक छोटी जात का है, आपने इन दोनों के साथ ऐसा बर्ताव किया? भाषा, जवाब दीजिए। भाषा, आपको मेरी सौगंध है, जवाब दीजिए, नहीं तो आप अपने बेटे का मरा मुंह देखेंगी। जवाब दीजिए भाषा, जवाब दीजिए। सब 2 साल तक तड़पता रहा मैं अपनी बहन के लिए, इनसे नफरत करता रहा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ के चली गई, घुट घुट के जीता रहा, और आप चुपचाप ये सब कुछ देखती रही। मासा, मासा, अपनी बेटी के साथ, अरे अपनी बेटी को वीडियो में बाल कितने सालों तक खांसी मार रखती है।
अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मां साहब? जवाब दीजिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.